सैयद मोहम्मद रजा जैदपुरी साहब के बिला के खिदमत में गए राइस पर तशरीफ लाएं और आली जनाब मौलाना सैयद मुराद रजा साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों वो भी राइस पर तशरीफ लाएं। माइक आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद रजा जैदपुरी साहब के बिला के हवाले। आप हजरात जो भी इधर उधर तशरीफ रखते हैं वो أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين الملقب بطه وياسين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائكم أجمعين أما بعد قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد نواسۂ رسول دلبند علی و فاطمہ اسلام کا نجات دہندہ وہ حسین کہ جو شہ سوار دوش پیغمبر ہے وہ حسین جو علی کا لاڈلا ہے وہ حسین جو فاطمہ کا نور نظر ہے وہ حسین جو اسلام کا نجات دہندہ ہے وہ حسین جو کشتی اسلام کا ناخدہ ہے جب کفر الہاد کا طوفان یزید کی شکل میں ابھرنے لگا ساری انسانیت سکوت کی کیفیت میں تھی کوئی نہ تھا جو بڑھ کر یزید کا مقابلہ کرتا کوئی نہ تھا جو یزید کے ان اصولوں کو جنہیں وہ اسلام کی شکل دینا چاہتا تھا بڑھ کر یزید کا گریبان تھام لے یہ صرف اور صرف نواسۂ رسول کا کلیجہ تھا کہ جس نے بڑھ کر یزیدیت کے اس طوفان کو اس طریقے سے روکا کہ آج ساری کائنات حسین زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے اور صرف میں ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر مفکر بارگاہ حسینیت میں نذرانۂ عقیدت پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتے شجاع دشتے سبا کو عزم ہے دشتے بلاؤ غم صبر مسیح جرأت سقراط کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ اس بڑھتے ہوئے طوفان کو امام حسین نے روکا لیکن عزیزو اس طوفان کو روکنے کے لیے صرف اکیلے حسین نہیں تھے بلکہ حسین کے ساتھ حسین کے با وفا ساتھی حسین کے جاباز حسین کے اصحاب حسین کے انصار حسین کے اعزاء حسین کے اقربا تھے جو حسین کی قیادت میں حسین کے ساتھ ساتھ اپنا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ عزیزوں آپ آمادہ ہیں، آپ تابوت کی زیارت کے لیے آئے ہیں، یقیناً یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، تصور شرط ہے، ہر ایک انسان اپنے دل کے اندر اونتے ہوئے طوفان کو محسوس کر رہا ہے، یہ وہ طوفان ہے، تصور شرط ہے۔ عزیزوں جب کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے
तो उस घर की कैफियत अजीब हो जाती है। सिर्फ घर मुतासिर नहीं होता है बल्कि अज़्ज़ो अक़ारिब मुतासिर हो जाते हैं, आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं, अज़्ज़ा गमगीन हो जाते हैं, शहर वाले पुरसा देने के लिए आ जाते हैं। जरा तसव्वुर करो उस घर का कि जिस घर से एक नहीं बल्कि एक घर से 72 जनाजे निकले हो, जिनमें 18 बनी हाशिम के जनाजे थे, जिनमें कोई मामूली हस्ती भी नहीं थी, कोई अब्बास जैसा बहादुर, कोई अली अकबर जैसा नौजवान, कोई कासिम जैसा गुलपरहन, कोई और मोहम्मद जैसे बच्चे। जरा सच बताइए कि इस कैफियत पर आखिर ज़ैनब ने कैसे सब्र किया होगा, इस कैफियत पर आखिर हुसैन ने कैसे सब्र किया होगा। अजीजों, बस आप आमादा हैं ताबूत की ज़ियारत करने के लिए। सबसे पहले जो फौज मुखालिफ की जानिब से तीर चले हैं, अक्सरियत ऐसी थी कि जिसमें इमाम हुसैन के जानिसार शहीद हो गए हैं, फिर उसके बाद अस्हाब इमाम हुसैन ने अपनी जान के नजराने पेश किए, और अब अस्हाब के बाद अज़्ज़ा की बारी आती है। सबसे पहले जिन्होंने अपनी जान का नजराना इमाम हुसैन पर पेश किया है वो कोई और नहीं बल्कि जनाबे अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम और जनाबे मोहम्मद इब्न मुस्लिम थे। आप आमादा हैं अभी ताबूत की ज़ियारत करेंगे। जरा तसव्वुर कीजिए अजीजों, हमारी बहनें भी आई हैं ज़ियारत के लिए। जब किसी माँ का कोई नौनिहाल इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो बाकी बचे हुए बच्चों को माँ हर तरह से उनकी हिफाजत करती है, उन्हें रात की तारीकी में निकलने नहीं देती है और अपनी सारी मोहब्बतें उन बच्चों को कुर्बान कर देती है। जरा सोचिए कि दो बच्चे मुस्लिम के साथ जा चुके हैं, अब दो बच्चे हैं जो माँ का सहारा है। किस कैफियत के साथ ज़ौजे जनाबे मुस्लिम ने अपने बच्चों को इजाजत दी होगी। लेकिन इसीलिए तो मुनफरिद है कर्बला की माँ दुनिया की माँओं से कि जिन्होंने अपनी जान अजीज से ज्यादा इमाम हुसैन को समझा है और अपने बच्चों की जान कुर्बान हो गई। लीजिए ताबूत बरामद हो गए हैं, आप जनाबे मुस्लिम को उनके बच्चों का पुरसा दीजिए, आप ज़ौजे मुस्लिम को उनके बच्चों का पुरसा दीजिए। और ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं थे कि मैदान में गए और जाने शहादत को ओछ कर लिया, नहीं नहीं, जाके पहले दादा की शुजात और नाना की शुजात के जौहर दिखाए हैं और दुश्मनों को बता दिया है कि हमें बच्चा न समझना। तारीख में मिलता है कि तकरीबन 90 अफराद को वासले जहन्नम किया है और उसके बाद वो शुजात के जौहर दिखाए हैं कि फौज यजीद अलमान और हफीज की सदाएं बुलंद कर रही थी। लेकिन हाँ, उसके साथ मेरा दिल कहता है कि कूफे से रूह मुस्लिम भी आई होगी और आने के बाद बच्चों को शाबाशी दे रही होगी। शाबाश मेरे बच्चों, मैंने कूफे में आका मुस्लिम पर अपनी जान कुर्बान कर दी, यहाँ तुमने कर्बला में भी मेरी नियाबत की है। बस अजीजों, ये वो बच्चे हैं कि जिनकी माँ रास्ते भर यहाँ से लेकर शाम के जिंदान तक अपने बच्चों का मातम करती रही। आज भी मेरा दिल कहता है कि मादरे मोहम्मद और मादरे अब्दुल्ला इस मजमे में आई होगी और आने के बाद अपने बच्चों को साफ से कबूल कर रही होगी। रोने में कोताही न करिएगा, इसलिए कि ये यतीम बच्चे हैं जिनकी माँ ने अपने हाथ से जंग के हथियार सजाए हैं अपने लाडलों के बदन के ऊपर, और जो गए हैं और जाने के बाद अपनी जान के नजराने अपने मामों पर पेश कर, अपने मामों की खिदमत में पेश कर दिए हैं। और अजीजों, ये जनाबे मुस्लिम के बेटे हैं। जनाबे मुस्लिम कौन? जनाबे अकील के बेटे, यानी इमाम हुसैन की नुसरत में सबसे पहले बहने वाला खून जनाबे अकील का खून था, औलादे अकील का खून था। और अब ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका है, अब जो शहदा मैदान में गए हैं वो भी जनाबे अकील की औलाद है, जिनका नाम तारीख में जनाबे जाफर मिलता है। ये भी मामूली बहादुर नहीं थे बल्कि मुतअद्दिद तारीखें हैं। बाद में ये लिखा है कि 15 अफराद आपने कत्ल किए, बाद में कई सौ अफराद आपने कत्ल किए, लेकिन बहस इससे नहीं है। एक बहादुर यकीनन जंग करता है, मुझे जनाबे जाफर की शुजात पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन अजीजों, एक खाए पिए हुए इंसान और एक भूखे प्यासे इंसान में बड़ा फर्क होता है।
यजीदी अफवाद जिनमें जितने भी सिपाही थे वो सब सैर और सैराब थे, लेकिन अल्लाह अकबर ये इमाम हुसैन के जानिसार थे जो सात मुहर्रम से प्यासे थे, जो भूखे भी थे। अजीजों सैर और सैराब फौजियों के लिए जंग करना बड़ा आसान है, लेकिन इमाम हुसैन के जानिसार इस भूख और प्यास में जो वलवला और जोश दिखा रहे थे, ये यकीनन इमाम हुसैन के जानिसारों का जज्बा था। लीजिए ज़ियारत करिए जनाबे अकील की औलाद, जनाबे जाफर का ताबूत। हाँ, आपके शानों को खुदा तकबीर अता करे, आपके सीने पर पड़ने वाले हाथों को यकीनन यकीनन जनाबे ज़हरा दवा दे रही होगी आपको, तोता ही नजरिएगा बात करने में। इसलिए आज जनाबे अकील की रूह भी आई होगी। यही तो कहा था मौला अली ने, भैया एक बहादुर औरत को इंतखाब करो, करबला के लिए एक बहादुर बेटे का जखीरा करना चाहता हूँ। अजब नहीं कि आज जनाबे अकील मौला एक कायनात से लेकर ये बलबला उठे हो, भैया करबला के लिए तुम अब्बास को जखीरा करो, मैं भी करबला के लिए बहादुर बेटे अपने बेटों को अपने लिए तैयार करूंगा। ये वही बेटे हैं कि जिन्होंने करबला के मैदान में जाकर जनाबे अकील का नाम रोशन कर दिया। ये जनाबे जाफर का ताबूत है, नहीं हो मेरा दिल कहता है करबला के मैदान में जहां रूह अली मौजूद होगी वहां रूह अकील भी मौजूद होगी, और उस पर जनाबे जाफर घोड़े से गिर रहे होंगे, जनाबे अकील दोनों हाथों को फैलाए होंगे। मेरे भूखे बेटे, मेरे प्यासे बच्चे, आज तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा है। करबला का मैदान अबू तालिब के फूलों से सज गया, करबला का मैदान आबाद हो गया, गुलशन फातिमा उजड़ गया, अबू तालिब के गुलशन बर्बाद हो गया। लेकिन अजीजों करबला के गुलशन की वो सुर्खी थी जिसने खानदान अबू तालिब के नाम को आसमान पर इतना नुमाया कर दिया कि जब तक सुबह कयामत, जब तक कयामत तक ये कायनात बाकी है, अकील का नाम बाकी है और औलाद अकील का नाम बाकी है। दूसरे बेटे जिनके ताबूत की आप ज़ियारत करने वाले हैं, ये भी कोई मामूली आदमी नहीं थे। इनका नाम जनाबे अब्दुर्रहमान इब्ने अकील मिलता है। ये भी अपने भाई की तरह बड़े बहादुर थे। इमाम हुसैन से इजाजत लेते हैं और लेने के बाद मैदान में आते हैं, आने के बाद जिहाद शुरू कर देते हैं। ये भी भूखे हैं, ये भी प्यासे हैं। जनाबे अकील की रूह ने भी हौसला अता कर रही होगी, मेरे लाल नुसरत में कोताही न करना, आज नुसरत में कोताही न होने पाए, वरना कल कयामत के रोज जब सब रसूलुल्लाह के पास मौजूद होंगे तो मैं क्या मुंह लेकर रसूल की खिदमत में जाऊंगा। अजब नहीं कि रसूल आवाज दे अकील तुम्हारी औलाद ने नुसरत करने में कोताही कर दी। लीजिए ताबूत की ज़ियारत कीजिए, ताबूत बरामद होने जा रहा है जनाबे अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का। बड़े बहादुर थे, बड़े बेमिसाल शुजाअत के जौहर दिखाए हैं। आपकी शहादत, अपनी शहादत से पहले तकरीबन 17 दुश्मनों को फिंगार किया है, 17 मलामीन को वासिले जहन्नम किया है, और वो वक्त भी आता है कि जब बशर के हाथों जामे शहादत नोश फरमाते हैं और उसके बाद आपकी रूह कफ़स उसूरी से परवाज कर जाती है। आप अपनी जान का नजराना इमाम हुसैन की खिदमत में पेश कर देते हैं। यजीदों बड़ा आसान है पढ़ देना, बड़ा आसान है सुन लेना, जरा सोचो अकील के बेटे जनाबे अब्दुर्रहमान, इनका इमाम हुसैन से भी कोई रिश्ता था। आज घर से किसी का कोई चचाजात भाई रुख्सत हो जाता है तो भाई बेकरार होकर गिरिया करता है। जरा सोचो कि जिस वक्त हुसैन भाइयों के जनाजों पर जा रहे होंगे उस वक्त हुसैन की कैफियत क्या होगी। ये अलग बात है कि बेपनाह मोहब्बत करते थे जनाबे अब्बास इमाम हुसैन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दीगर भाइयों से कम मोहब्बत करते थे। अभी तो किस दिल से जाते होंगे हुसैन और किस दिल से जनाबे अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का लाशा लेके आए होंगे और लाने के बाद गंजे शहीदा में लिटाया होगा। और अब जनाबे अकील के तीसरे बेटे
जिनका नाम तारीख में अब्दुल्लाह इब्ने अकील लिखा है। ये भी बड़े बहादुर थे और तारीख में ये नहीं मिलता है कि आखिर आपने कितने दुश्मनों को फिनहार किया है, लेकिन जब और भाइयों ने इतने इतने दुश्मनों को मारा है तो यकीनन ये जाने के बाद यूं ही नहीं अपनी शान का नजराना पेश कर देते हैं, बल्कि जाने के बाद एक जिहाद करते हैं, एक जंग करते हैं, और करने के बाद उसके बाद अजीजों कब तक लड़ते, जब बदन से खून टपकने लगता है तो प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। ये कोई उनसे पूछे, करबला वालों से पूछे जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए थे। अजीजों ताबूत बरामद हो रहा है, जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने अकील का ये वो जानिसार है कि इब्ने खालिद ने एक ऐसी जर्ब लगाई है कि जिस जर्ब के बाद जनाबे अब्दुल्लाह से राहवार पर सौदा न गया, जमीन पर आ गए। आप ताबूत उठा रहे हैं, मातम कर रहे हैं, खुदा सलामत रखे उन कांधों को जिन कांधों पर ये ताबूत बरामद हो रहे हैं। परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा करे, परवरदिगार अदाए हुसैन करने की सही तौफीक अनायत फरमाए। आज यकीनन रूह फातिमा दुआएं दे रही होगी, सलामत रहो मेरे बच्चों के आजादार, सलामत रहो मेरे बच्चों के आजादार, सलामत रहो मेरे लाल का मातम करने वालों, सलामत रहो मेरे लाल पर आंसू बहाने वालों। आजादारों मातम में कोताही न होने पाए, मातम में किसी तरह की कोई कमी न होने पाए, आंसुओं का तार रुकने न पाए, इसलिए कि फातिमा इसी मजमे में रुमाल लिए हुए खड़ी है। आए मेरे बच्चों मुझे कुछ न चाहिए, तुम्हारे आंसू चाहिए, तुम्हारे आंसू चाहिए, तुम्हारे आंसू चाहिए, और सिर्फ तुम्हारे वो जज्बात चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। और अब अजीजो मोहम्मद इब्ने सईद इब्ने अकील का ताबूत बरामद होगा। ये भी जनाबे अकील के बहादुर बेटे थे और अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, और आप जनाबे अली अकबर के बाद मैदान में गए थे, लेकिन एक सिलसिला है औलाद अकील का। इसलिए मैं तरतीब और मोहम्मद जैसे जानिसारों ने बगैर तलवार चलाए अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जनाबे मोहम्मद इब्ने सईद बिन अकील गए हो और जाने के बाद ऐसे ही अपनी जान का नजराना पेश कर दिया हो। आप ज्यारत करने जा रहे हैं जनाबे अकील के फर्जंद मोहम्मद इब्ने सईद बिन अकील का ताबूत बरामद होने जा रहा है। अजीजो आज गिरिया करिए, मातम करिए, इसलिए कि ये छोटे छोटे बच्चे शायद इसीलिए ताबूत अपने कांधों पर उठाए हैं कि चूंकि आप सबसे कम सिन थे इसलिए हम कम सिन आपका ताबूत अपने कांधों पर उठाए हैं। खुदा इन बच्चों की तौफीकात में इजाफा करे, खुदा इनके उम्र में इजाफा करे, इनके माँ बाप की तौफीकात में इजाफा फरमाए, इनकी बढ़ती हुई उम्रें इनके अंदर जज्बे अदादारी को दिन ब दिन आती रहे, और एक ऐसा अदादार जो पावन अदादार हो इस सूरत से मंदरे आम पर आए ताकि जनाबे फातिमा जहरा को मजीद खुशी हो। इसलिए कि जब कोई भी अदादार अदादार इमाम हुसैन का इस सब में इजाफा होता है तो सबसे ज्यादा रूह फातिमा जहरा शाद होती है, और शाद होने के बाद दुआएं देती है। कायनात की हर इंसान की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन खातून जन्नत में दुआ रद्द नहीं हो सकती। जज़ाकुम अल्लाह खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। औलाद अकील के बाद अब जनाबे जाफर तैयार के बेटों की बारी है, जनाबे जाफर तैयार के पोतों की बारी है, अली के नवासों की बारी है। ये दो बच्चे ऐसे हैं कि ये सुबह से कई बार इमाम हुसैन के पास जा चुके हैं, मामों को जो मरने की इजाजत दीजिए, हसरत भरी निगाह हुसैन और मोहम्मद पर डालते हैं। ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरी बहन के ढारस हो, तुम मेरी बहन का आसरा हो, हुसैन तुम्हें कैसे इजाजत दे सकते।
लगता है, जाओ अपनी माँ के पास खैमे में जाओ। जैसे ये दोनों बच्चे खैमे में आते हैं, बस एक मर्तबा अजीब सी निगाह ज़ैनब बच्चों पर डालती है और आवाज देती, मेरे बच्चों अभी तक जिंदा हो, तुमने अपनी जान अपने मामों पर कुर्बान नहीं की, ऐसा न हो कि तुम्हारी नानी बरोज़ हश्र शिकवा करे, ज़ैनब तुझे अपने बच्चे बड़े प्यारे थे। ऐ मेरे बच्चों, जाओ अपनी जान का नजराना अपने मामों पर कुर्बान, अपने नानों की खिदमत में पेश करो। दोनों बच्चे आते हैं, इमाम हुसैन मोहब्बत की निगाह डालते आवाज देते हैं, मामू मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, मुझे मारने भेजा है। पीछे से बेहन की आवाज आती है, ऐ मेरे भैया गरीब बहन के हदी रद न करो, इन्हें मरने की इजाजत दे दो, इन्हें मैंने भेजा है। हुसैन सर झुका लेते हैं, दोनों बच्चे खेमे से निकलते हैं, मैदान में आते हैं, आने के बाद जिहाद शुरू करते हैं। लोगों को अली का जिहाद याद आ जाता है, जाफर तलियार की तलवार याद आ जाती है, भूखे बच्चे प्यासे बच्चे। और मेरा दिल कहता है, मैंने किसी रवायत में नहीं देखा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि चलते चलते बच्चों के बाजुओं को पकड़कर ज़ैनब ने यह जरूर कहा होगा, बच्चों खबरदार दरिया के करीब न जाना, सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे होंठ पर हो जाए और सकीना प्यासी रहे। बच्चे मैदान में आए, बाद में 30 अफराद मिलता है, बड़े ने 30 अफराद के पास ले जहन्नम किया, जनाबे मोहम्मद ने 10 दुश्मनों को मारा, और लीजिए अब तौरा के जमीन पर गिरे हैं, रूह फातिमा आगे वही ताबों पर आवद हो रहे हैं, ये ज़ैनब के लाडले हैं और वो मोहम्मद है, ये ताबूत बच्चों के हैं। उधर ज़ैनब पे ज़ैनब के बच्चों के लिए एक तरफ से हुसैन, एक तरफ से रवायत में है, एक जनाजा हुसैन ने लिया, एक जनाजा अब्बास ने लिया, लाके खैमे में रखा। ज़ैनब को लोगों ने देखा, नजर न आई, क्या देखा, एक गोशे में बैठी हुई है। बीवियों ने कहा बच्चे चलो, बीवियों ने कहा बीवी चलो, बच्चों के लाशें आए हैं। अजब नहीं कि ज़ैनब खड़ी हुई हो, आवाज भी ये न कहो, ये फातिमा के खुशनूदी का सबब बन रहे होंगे। अदादारों को मैं इसकी जगह फातिमा देंगी, या राकीने अंजुमन गुलाम अस्करी नहीं दे सकते, या हलियाने गुलाम अस्करी नगर नहीं दे सकते, या अगर पूरा शहर मिलकर भी चाहे तो आपको जगह नहीं दे सकता, या अगर कोई जगह दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शहजादी जनाब फातिमा है जो आपको जगह दे सकती है। अजीजो, औला मोहम्मद ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए, और अब उसकी बारी है जो करबला में हसन की नुमाइंदगी कर रहा था। 13 साल का गुलबदन कासिम करबला में जितने अफराद गए हैं, तकरीबन उन सब ने ज़रहा का इस्तेमाल किया है, जनाब अली अकबर ने ज़रहा का इस्तेमाल किया है, लेकिन अजीजो जनाब कासिम इतने कमसिन थे कि इनके लिए कोई ज़रा न थी। और अजीब कैफियत मिलती है, इजाजत मिल चुकी है, ताबीज़े फिदा खोला जा चुका है जो बातों को बंधा था, लेकिन अजीब कैफियत के साथ इमाम हुसैन ने इजाजत दी है। करबला में जितने भी अफराद गए हैं, इमाम हुसैन के जितने भी भाई या भांजे, अब तक जितने लोग गए हैं, ये कैफियत हुसैन की नहीं रही है। कासिम को बुलाया, अपने से करीब किया, और कासिम जो शलूका पहने हुए थे, जो कुर्ता पहने हुए थे, उसके गरीबान को चाक कर दिया। अजीज तो समझ में आया होगा कि आखिर यह क्यों किया गया है। अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई यतीम होता था तो उसके गरीबान को चाक कर दिया जाता था,
ताकि लोग उस पर तरस खाए और उस पर जुल्म न करे। हाय ब्लासिम कैदाने करबला में लाल ताबूत की ज्यारत करने जा रहे हैं। जनाबे कासिम का ताबूत बरामद हो रहा है, इमाम हसन की रूह भी आई होगी और आने के बाद जनाबे कासिम की उस लाश पर कि जिसे सही तरीके पर लाश नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि जैसे ही कासिम जमीन पर आए हैं, आने के बाद हुसैन को आवाज दी है तो इधर के घोड़े उधर भाग रहे थे, उधर के घोड़े इधर भाग रहे थे। करबला में दो ही तो लाशें पैदा हुए हैं, एक हुसैन का लाशा एक कासिम का लाशा, लेकिन दोनों में फर्क है। हुसैन का लाशा शहादत के बाद शहादत करबला में हुई है और ये शहादत तकरीबन सबसे आखिरी शहादत है। लेकिन मैंने भी कहा कि जिस तरीके से जनाबे अकील के एक बेटे जो जनाबे अली अकबर के बाद शहीद हुए थे, लेकिन चूंकि सिलसिलेवार ताबू बरामद होने थे इसलिए मैंने उनका तस्करा उनके और भाइयों के साथ किया है, उसी तरीके से जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हसन तारीख में जिनका सिन 11 या 12 साल का मिलता है, ये वो शहीद है कि जिस वक्त इमाम हुसैन जमीन पर आ चुके हैं, घोड़े से गिर चुके हैं, उस वक्त ये खैमे से बरामद होते हैं। जिस वक्त एक शोर बुलंद होता है तो ये अपने चचा की जानिब बढ़ते हैं, दरमियान में तकरीबन 14 मलाइन को कत्ल करते हैं और जिस वक्त आप पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि दुश्मन इमाम हुसैन पर तलवार चलाने वाला है। इनके कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि चौबे खैबा हाथ में है, खैमे की चोट हाथ में है, इसलिए ये जल्दी में अपने दोनों हाथ चचा की तरफ बढ़ा देते हैं। तलवार चचा को तो नहीं पड़ती है, लेकिन किस तरीके से करबला के मैदान में सबसे पहले अब्बास ने अपने बाजू पेश किए थे, ताबूत बराबर हो रहा है, मातम करिए अजादारों, ये हसन का लाडला है, अब्दुल्ला इब्ने हसन आपकी मुशर्रत करता रहूंगा। ये जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हसन का जनाजा है। करबला में मदीने में इमाम हसन के जिगर के टुकड़े लगन में इकट्ठा हुए थे, करबला के तपते हुए सहरा पर हसन के जिगर के टुकड़े बिखरे हुए हैं। कोई अब्दुल्ला के सूरत में, कोई कासिम के सूरत में, और बलाहिर इन्हें हुसैन जमा कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि फातिमा भी आई होगी इन टुकड़ों को जमा करने के लिए। ये मेरे लाल के टुकड़े हैं, ये मेरे हसन के टुकड़े हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम हुसैन के। ये जनाबे जाफर तैयार के बाद इमाम हसन, और एक मरतबा फिर मौलाए कायनात ने जिसकी तमन्ना की थी, एक ऐसी औरत, एक बहादुर औरत के जिससे एक बहादुर बेटा मैदान में आज सामने आए, जो करबला में इमाम हुसैन पर अपनी जान का नजराना पेश करे। जनाब अब्बास की शहादत यकीनन जनाब अब्बास के सामने बड़ा अजीब मरहला था कि जिस वक्त जनाब सकीना अपने पपड़ाए हुए होठों को आपके सामने जबान फेर रही थी, लेकिन अजीबो ये कम सख्त मरहला नहीं है। जनाब अब्बास अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं और उनके सामने उनके तीन भाइयों का, तीन भाई शहादत के दर्जे पर फायज होते हैं। जनाब अब्बास को इसीलिए तो शुजा कहा जाता है, बहादुर होते तो तलवार, अगर बहादुर उर्दू के लिहाज से होते तो तलवार हाथ में आ चुकी होती, लेकिन चूंकि
شجاعت ہے اس لیے صبر کیا اور عالم یہ تھی کہ ہمیشہ نگاہیں امام حسین کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. اور عزیزو اب جناب مولا کائنات کے بیٹے کہ جن کا تاریخ میں نام اون ابن علی ملتا ہے, یہ اون ابن علی ہیں, اون ابن علی جس طریقے سے جناب عباس بہادر تھے, جس طریقے سے جناب عباس شجاع تھے, اور بعض تاریخوں میں آپ کو جناب محمد حنفیہ کا بھی بھائی کہا گیا ہے, آپ نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی ہے, بڑی دلیرانہ جنگ کی ہے. اور عزیزو تابوت برآمد ہونے جا رہا ہے, یہ جناب اون ابن علی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ امام حسین کی خدمت میں پیش کر دیا. اور عزیزو آپ ماتم کریں اس لیے کہ حسین کربلا میں ہر شہید کے لاشے پر ماتم کرتے ہوئے جاتے تھے, ہر لاشے پر ماتم کرتے تھے, ہر لاشے پر آنسو بہاتے تھے. کسی کے گھر میں ایک جنازہ نکلتا ہے تو آنسو جب خشک ہو جاتے ہیں تو انسان صرف آہیں بھرتا ہے, صرف سسکیاں بھرتا ہے, لیکن عزیزو یا حسین کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں, بلکہ جیسے جیسے افراد شہادت کے درجے پر فائز ہو رہے ہیں, حسین ہے جو گریا کر رہے ہیں, حسین ہے جو ماتم کر رہے ہیں, حسین ہے جو اپنے آنسو اپنے جانثاروں پر بہا رہے ہیں. آج کوئی نہیں ہے جو حسین کا ساتھ دے, ایک ماں ہے, ایک دکھیاری ماں ہے, ایک پہلو شکستہ ماں ہے جو امام حسین کا ساتھ دے رہی ہے. اے بچے, اے میرے لال, جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ آنسو کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں اور اب کر رہی ہوں. یہ جناب اون ابن علی تھے, اور اب جناب عبداللہ ابن علی کا تابوت, یہ بھی جناب عباس کے بھائی ہے, تابوت برآمد ہو رہا ہے. آپ حضرات ماتم کی صداؤں سے تابوت کا استقبال کریں. یہ بھی جناب عباس کے بھائی تھے, بہت دلیر تھے, بڑے بہادر تھے. عباس نے فنون جنگ سکھائے تھے, جسے عباس جیسا بہادر فنون جنگ سکھائے, جسے مولائے کائنات نے سکھائے ہو, اگر اس کے بھائی بہادر نہ ہوں گے, اگر اس کے بھائی شجاع نہ ہوں گے تو کون شجاع ہوگا, اگر اس کے بھائی دلیر نہ ہوں گے تو کون دلیر ہوگا. لیکن عزیزو بڑا سخت مرحلہ ہے, جن بھائیوں کو عباس نے آغوش میں لیا ہو, جن بھائیوں کو عباس نے جنگ کے طریقے سکھائے ہو, آج انہی بھائیوں کے جنازوں پر عباس جا رہا ہے, آج انہی بھائیوں کے لاشے حسین کے ساتھ عباس بھی اٹھا رہے ہیں. بڑا سخت مرحلہ ہے ایک بھائی کے لیے کہ بھائی کا جنازہ اٹھائے. خدا یہ مشکل وقت کسی بھائی کی زندگی میں نہ لائے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اس مصیبت سے دوچار ہوگا تو تسلی دینے والے آ جائیں گے, پرسہ دینے والے آ جائیں گے. لیکن ہائے افسوس, کربلا میں حسین کا ساتھ دینے کوئی نہ آیا, اور اب جناب عثمان ابن علی کا تابوت برآمد ہو رہا ہے. یعنی بڑے بہادر تھے, بڑے دلیر تھے, اور کیوں نہ ہوتے, اس لیے کہ دلیر بھائی کا دلیر بھائی ہے. بڑی دلیرانہ جنگ کی, سات دشمنوں کو واصلے جہنم کیا, حسین کی نصرت میں وہ تلوار چلائی ہے کہ دنیا آج بھی جناب عثمان کی اس تیغ آزمائی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے, اس لیے کہ عباس نے تیغ چلانا سکھائی تھی. سات دشمنوں کو واصلے جہنم کیا, اور کربلا میں ملائین نے جنگ کے اصول بھی توڑ دیے ہیں, اس لیے کہ جنگ کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جب فوج تنڈلنگ حملہ کرتی تھی تو فوج فوج سے لڑتی تھی, لشکر لشکر سے لڑتا تھا, لیکن جب وہ انفرادی طور پر اکیلا میدان میں جاتا تھا تو ایک سپاہی اس کے مقابلے پر آتا تھا. لیکن کربلا میں اصول توڑ دیے گئے. جب عباس کا اکیلے بھائی سے سامنا یزید کے فوجی نہ کر سکے تو سب نے مل کر حملہ کیا, اور علی کا شیر
जो उस्मान जिसका नाम था वो अपने घोड़े पर संभल न सका और उसके बाद घोड़े से जमीन पर आए हुसैन जनाब उस्मान के लाशे पर गए और अब्बास के भाई को गंज शहीदा में लाके लिखा दिया। लेकिन अजीजों हुसैन है एक शहीद का लाशा लाके गंज शहीदा में रखते हैं कि उधर से दूसरा शहीद पुकारता है आका मेरी मदद को आइए। ये जनाबे उस्मान का ताबूत था लेकिन अब जो ताबूत बरामद हो रहा है वो मौलाए कायनात के दूसरे बेटे जनाबे जाफर का ताबूत है। बड़े दिलेर थे, बड़े बहादुर थे, ताबूत बरामद हो रहा है, लोग ताबूत बरामद कर रहे हैं, आप मातम की सदाओं से ताबूत के इस्तकबाल कर रहे हैं। अजीजो बड़े दिलेर थे, तकरीबन 10 अफराद को वासिले जहन्नम किया, लेकिन वही के अली का लाल कब तक लौटा, अली का लाल कब तक लौटा। एक मौका वो भी आता है कि जब आप प्यासे और भूखे इस जमीन पर आते हैं, आने के बाद हुसैन को सलाम आखिर करते हैं, हुसैन आपके लाशे पर पहुंचते हैं और उठाने के बाद लाके गंज शहीदा में लिटा देते हैं। अब्बास के लिए बड़ी सख्त मुश्किल है, तीन भाइयों का गम है। अब अब्बास क्या करें, अब्बास क्या करें। बस एक बार खुद आकर खिदमत में आते हैं और आने के बाद सर झुकाए हुए खड़े हैं। हुसैन अब्बास की कैफियत से बखूबी वाकिफ है, आवाज देते मेरे भैया कहो क्या है, किस लिए आए हो। काका अब गोद के पाले भी कुर्बान हो गए, अब अब्बास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आका गुलाम को मरने की इजाजत दीजिए। आवाज देते हैं हुसैन ऐ मेरे भैया तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। ये जुमला नहीं था, हुसैन अपनी बेबसी का मर्जिया पढ़ रहे थे, इसलिए कि वो लश्कर जिसकी अलमदारी अब्बास कर रहे थे उन सभी के लाशे तो हुसैन ने उठाए थे। आखिर हुसैन के क्या रहे थे, मेरा दिल कहता है ये हुसैन के लिए जो अब्बास ने जुमला कहा है ये अब्बास ने जुमला नहीं कहा है, हुसैन को याद दिलाया है। आका तो लश्कर कहा रहा, सबके तो लाशे उठा चुके हैं, वो लश्कर कहा रहा जिसका मैं अलंकार था। अब मुझे मरने की इजाजत दीजिए, हुसैन भाई को मरने की इजाजत कैसे दे कि जिसका वजूद हुसैन का, हुसैन की ढारस हो, सैदानियों की ढारस हो, हुसैन मरने की इजाजत नहीं देते हैं। कहते अच्छा पास अगर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं रोकता नहीं हूं। लेकिन जाते जाते खैमों में बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो, पानी की सबील कर दो और जाओ, उसके बाद पानी की सबील करो। अब्बास खैमे में जाते हैं, जाने के बाद जनाबे सकीना को आवाज देते हैं, बच्ची दौड़ के चचा की तरफ आती है। आने के बाद अब्बास अपने हाथों को फैलाते हैं, सकीना चचा की आगोश में है, नन्हे नन्हे हाथों को सकीना अपने होठों पर रखती है। चचा क्या मेरे पकड़ाए हुए हो, होठ नहीं दिखाई दे रहे हैं, है चचा ये प्यास मारे डाल रही है, सीने से आग, सीने में आग सो लग रही है। चचा पानी की सबील करो, जाओ मेरी लाल मशकीजा ले आओ। सकीना दौड़ के जाती है, मशकीजा लेके आती है, चचा के आलम में भागती है। अजीजों अब ताबूत का इंतजार न करिएगा, ताबूत उसका उठा है कि जिसका ताबूत हुसैन ने उठाया है, जिसका लाशा हुसैन ने उठाया है। अब ताबूत नहीं आएगा, अब एक अलम आएगा, लेकिन अलम पर निगाह रखना, अलम पर खून के छींटे भी होंगे, ये छींटे अब्बास के खून के हैं। इसीलिए तो जब अब्बास के लाशे पर हुसैन पहुंचे हैं तो अब्बास के अलम को पकड़ा
आपके इन बहते हुए आंसुओं पर खुदा रहमत नाजिल करे, आपके इन बुलंद सदाओं पर अल्लाह रहमत नाजिल करे। यकीनन दुआएं फातिमा के मुस्तहक है, आप फातिमा जदाए खैर देंगी। दुनिया की किसी हस्ती में ये ताकत नहीं है कि आपके बहते हुए आंसुओं की जदा दे सके, दुनिया के किसी इंसान के बस में नहीं है। लेकिन तारीख कहती है कि ये सब मरसिया हुसैन ने पढ़ा है, लेकिन साथ साथ अकबर मौजूद हैं। अकबर हैं जो बाबा का साथ दे रहे हैं। अभी हुसैन के सामने कम से कम एक धारस है कि नौजवान बेटा है, लेकिन उसके बाद दुश्मनों से एक चोर बरपा होता है। मलाइक कहते हैं बस हुसैन, अब कोई नहीं बचा है, अब सब तुम्हारे साथ ही मार डाले गए। आता है नौजवान बेटा, कैसे दुश्मनों के ताने बर्दाश्त करे। बाबा अब दुश्मनों के ताने सुने नहीं जाते हैं, अरे बाबा मुझे मरने की इजाजत दी है। एक बाप के लिए एक जवान बेटे का ना वाबस्तगी में अगर शूमी तकदीर से किसी बाप का जवान बेटा मर जाता है तो बाप जिंदगी भर ये गम बर्दाश्त नहीं करता। जब जब बेटे की शक्ल निगाहों में आती है आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जरा सोचो कि जिसका जवान बेटा मरने की इजाजत मांग रहा हो वो बाप किस तरीके से मरने की इजाजत दे। तो जिकार कहते मेरे लाल मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे सकता, तुम्हें तुम्हारी फूफी ने पाला है, जाओ और अपनी फूफी से मरने की इजाजत लो। अभी जवाब नहीं देते, कहते फूफी अम्मा ठीक है मैं नहीं जाता, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बरोज हश्र अगर दादी फातिमा जहरा पूछ ले ज़ैनब तुझे तेरा अकबर ज्यादा प्यारा था या मेरा हुसैन, सच बताइए दादी क्या जवाब, सच बताइए फूफी अम्मा आखिर क्या जवाब दीजिएगा। अब ज़ैनब रोकती नहीं है, आवाज देती मेरे लाल खुदा हाफिज़ नासिर, जाओ और जाने के बाद अपने बाप के अपने बाप के लिए जिहाद, अपने बाप की जान को अपनी जान कुर्बान कर दो। अली अकबर निकलते हैं खैबर से, राहवार पर बैठते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद महसूस होता है कि जैसे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मुड़कर देखते हैं, क्या देखते हैं, बूढ़ा बाप, वो बाप के जिसकी कमर अब्बास के मरने से टूट चुकी है, वो बाप कि जो 71-70 लाशें उठा चुका है, वो बाप पीछे पीछे आ रहा है। आवाज देते हैं बाबा आपने तो रुख्सत कर दिया था। अली अकबर काश तुम साहिबे औलाद होते, परवरदिगार आपकी औलादों को सलामत रखे, आप उनकी खुशियां देखें, लेकिन हाय लैला की खुशी, हाय हुसैन का अरमान, हाय लैला के कलेजे की ठंडक। अली अकबर मैदान में जा रहा है, तारीख में है कि 500 अफराद को अली अकबर ने तहे-दिल किया, लेकिन उसके बाद अब जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। बस आते आते बाप को सलाम आखिर किया, नौजवानों ताबूत बरामद करो, लेकिन ये सोचकर ये अली अकबर का ताबूत है, सराहने हैं, हाथ सीने पर है मेरे लाल, तुम्हारा हाथ सीने पर क्यों है, कुछ नहीं बाबा, बाबा कुछ नहीं कहा, नहीं मेरे लाल कोई तो बात है, अपना हाथ सीने से हटाओ आहिस्ता से। अली अकबर ने हाथ सीने से हटाया, क्या देखा कि सीने से खून उबल रहा है, सीने से खून जारी है। एक मर्तबा इब्राहिम करबला जमीन पर बैठे, घुटने को जमीन पर टेका, हाथ अली अकबर के सीने पर रखा, अजब नहीं के गजब का रुकिया हो। बाबा जरे खैबर उखाड़ना बड़ा आसान है, आप देखो मेरे आंखों पर पट्टी नहीं है, मेरा लाल सीने पर पर्ची का फल खा चुका है, चुटकी से फल पकड़ा, आवाज दी बिस्मिल्लाह है वबिल्लाह है वाला मिल्लत रसूलुल्लाह, हाथ ऊपर
किया, लेकिन अजीजों खाली हाथ नहीं था, सीने की अली थी, अकबर का कलेजा था, हुसैन का हौसला, फातिमा की दुआएं, फातिमा की आहें, कर्बला के मैदान में गूंज रही थी। ये हुसैन का नौजवान बेटा था, ये हुसैन का लाडला बेटा था। अब हुसैन लाडले की मैयत उठा के ला रहे हैं, कहां तक उठाते, बस एक बार आवाज दी, अरे बच्चों आओ आओ, बनी हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन का साथ दो। अली अकबर का जनाजा बनी हाशिम के बच्चों के कांधों पर, अली अकबर का जनाजा खैमे में आ गया, कोहराम बरपा हुआ, और उसके बाद जनाब अली अकबर के लाशे को हुसैन ने कल के शहीदा में ला के लिटा दिया। अजीजों सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब हुसैन के सामने वो मरहला है कि हुसैन आए हैं मैदान में, और आने के बाद आवाज इस तरह सा बुलंद की है, हल मिन्ना सरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे, फौज आदा में सुकून तारी है, कोई नहीं है जो हुसैन की नुसरत करता, लेकिन हाँ खैमों से पलट होती हुई आवाजों ने हुसैन को खैमे की तरफ पलटने पर मजबूर कर दिया। हुसैन खैमे में आए और आने के बाद आवाज दी, अरे ज़ैनब व कुलसूम क्या बात है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। आवाज दी, भैया आपकी आवाज में इतना दर्द था, आपकी आवाज में इतना असर था कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। ये तारीख कर्बला का पहला शहीद है कि जिसकी कब्र हुसैन ने बना ली है, लेकिन ये तारीख कर्बला का वो शहीद भी है कि जिसकी खुदती हुई कब्र उसकी मां ने देखी है। अरे मेरी बहनों, तुम्हारी गोदियां आबाद है, तुम्हारे बच्चे सलामत है, अपने हाथों के अपने बच्चों के सरों पर रखो और रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदके में दुआ करो, तुम्हारे बच्चे सलामत है अली असगर के सदके में। हुसैन ने बच्चे को आगोश में लिया, लेने के बाद मैदान में आए, ताबूत पे अली असगर बरामद हो रहा है। आए मेरी बहनों, तुम्हारा दिल तो नाजुक होता है, तुम तो किसी बच्चे का जनाजा भी नहीं देख पाती, ये बच्चा तो मामूली बच्चा नहीं है, ये बना कुरान नात था, ये किसर साथ देख न सका। आवाज दी, आईना हुरमुला, एकता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को पता करो, तीर चला, बच्चा बाप के हाथों का मुनकलिब हो गया, उलट गया, जमीन को फेंकना चाहा, जमीन ने कबूल न किया, और अजीजों हुसैन ने अपने लाल को जमीन में छुपा दिया। लेकिन जब शामे गरीबा आई है और ये मलाइन लंबे नैजे लिए हुए जमीन पर मार रहे थे, तो मौका वो भी आता है कि जब जमीन में बरामद होने वाले नैजे में एक छोटा लाशा भी होता है। ये मंजर जब फिजा की निगाहों से गुजरा, आवाज की, रबाब कलेजे को पकड़ लो, तुम्हारे लाल की शहादत होने जा रही है, छोटा सा बच्चा, छोटा सा जिस्म, अली असगर का सर तक जदा कर दिया गया, क्या उन सीनों में दिल न थे। इसलिए तो हमारे मुल्क के हिंदू राइटर ने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता है, कर्बला में हुसैन को मारने के लिए क्या जानवरों का लश्कर आया था, इसलिए कर्बला में उस बच्चे को भी तीर मारा गया है जो बच्चा अभी दूध पी रहा था। इसका मतलब है इंसान बच्चों की शहादत बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अजीजों बस हुसैन ने अपने लाल को जमीन में छुपा दिया। मैं मजलिस यहीं पर तमाम, मैं बात यहीं पर तमाम कर देता और ताबूत इमाम हुसैन बरामद कर हो जाता, लेकिन अभी मरहला खत्म नहीं हुआ है। हुसैन लाशे असगर से उठ नहीं पाए हैं,
کہ کانوں میں ایک آواز آئی ہے, السلام علیکم یا آبا عبداللہ. حسین ٹھہرے ہیں, کون ہے اس عالم غربت میں سلام کرنے والا؟ پیچھے دیکھا تو ایک سوار تھا جو ہاتھ میں خط لیے ہوئے کھڑا تھا. آقا میں آپ کی بیٹی سورا کا قاصد ہوں. میں آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں. یہ خط بیٹی کا حسین نے جب کھولا, میں پورا خط نہیں پڑھ سکتا, دو جملے تھے بابا, ابھی تک اکبر لینے نہیں آئے ہیں. اے بابا اب تو دن کافی ہو چکے ہیں, آپ کی فرقت نے اس بیمار کو اور بیمار کر دیا ہے. اے بابا اگر چاہتے ہو میرا مرض ٹھیک ہو جائے تو بابا مجھے جلد بلا لو, میں بھیا اکبر سے شکوا کروں گی. اور اے بابا اب تو میرا بھیا اصغر بھی بڑا ہو گیا ہوگا, اب تو گھٹنے چلنے لگا ہوگا. حسین خاموش ہے قاصد صغرا کو لے, لیکن وہی موجود نہیں ہے جو حسین کو سب سے زیادہ عزیز ہے. اور جو حسین کو سب سے زیادہ عزیز ہے, ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے, ہر بیٹی اپنی باپ کو چاہتی ہے. آج سکینہ کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے, لیکن سکینہ نظر نہیں آتی. اب حسین سب سے رخصت ہو کے رہوار کے قریب بھی آ گئے, سکینہ نظر نہیں آئی. آنے کے بعد وہ حسین جو جانثاروں میں گھرا رہتا تھا, کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا, آواز دی کہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناسے, نہ قافلے نہ علی اکبر نہ عباسے. یہ حسین کی بہن برداشت نہ کر سکی اور اس کے بعد اب خیمے کے در پہ آ گئی. بھیا اکبر نہیں تو کیا ہوا, قاسم نہیں تو کیا ہوا, یہ بہن سوار کرے گی. زینب نے سوار کر دیا. بعد اجر نہیں کہ حسین نے آواز دی ہو کہ دیکھ سر ننگے ہر ایک ہورے جنا آتی ہے, ابھی سینے پر نہ چڑھ, اے کبھی سینے پہ نہ چڑھ, دیکھ میری ماں آتی ہے. فاطمہ زہرا کربلا میں آ گئی, حسین کا تابوت برآمد ہو رہا ہے. اور عجب نہیں کہ حسین, حسین نے جیسے ہی اما کو دیکھا ہو آواز دی ہو, قافلہ لٹ گیا, اما میرا لشکر نہ رہا. جب سے امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا, ارے رہ گیا درد کمر, آئے برادر نہ رہا. اب خبر آپ نے لی جب کے دھرا گھر نہ رہا, اور ایک میں ہوں سو مجھے صبح کی مشتاقی ہے, بے سگا ہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے. حسین زمین کربلا پر فاطمہ نے بالوں سے زمین صاف کی, اپنی آغوش پھیلائی. حسین ادھر سے شمر آگے بڑھ رہا ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, ہاتھ میں خنجر ہے. حسین حسین کی مجنونی دیکھ لی عزیزو, شمر آگے بڑھا, حسین کو صرف کرنا چاہا, لیکن عزیزو ہاتھ بار بار ہٹائے لے رہا تھا. جب شہادت امام حسین کے بعد کسی نے پوچھا, اے شمر تو تو حسین کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا, پھر آخر تجھے تردد کس بات میں تھا؟ کہ میں قتل تو کرنا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی خنجر بڑھاتا تھا, کبھی رسول اپنا گلا رکھ دیتے تھے, کبھی علی مرتضیٰ اپنا گلا رکھ دیتے تھے, اور کبھی فاطمہ اپنے ہاتھوں سے رکھ دیتی تھی. اے شمر کچھ نہ طرف تھا, میں نے اسے چکی تھی اس کے پالا ہے, ارے میں نے بڑی محنتیں سے اپنے لال کو پالا ہے. یہ میرا غریب بیٹا ہے, یہ میرا مظلوم بیٹا ہے. عجب نہیں کہ فاطمہ نے یہ بھی کہا ہو, اے شور 71 لاشیں اٹھائے ہیں میرے لال نے, اس پر وزیر سے مل کر. لیکن عزیزو فاطمہ کی فریاد بولتی رہی, شمر نے خنجر چلایا, آسمان پر بجلی کودنے لگی, زمین درزنے لگی, فرات کا پانی نیزو چلنے لگا, آسمان پر سیاہ آندھیاں چلی, سرخ آسمان ہو گیا, کربلا میں زلزلہ آ گیا, آسمان سے صدا گونی, حسین و بے کربلا.
मुस्तफा कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। उजड़ गई फातिमा की गोदी, उजड़ गया फातिमा का गुलशन, आबाद हो गई करबला। अजीजों, अब तक हुसैन लोगों की शहादत की खबर खैमे में लाते थे, कभी अब्बास की शहादत की खबर नहीं ला सके जलाशा, तो कम से कम अब्बास का आलम लेके आए। अली अकबर का लाशा लाए, कासिम का लाशा लाए और मोहम्मद के लाशे लाए। ये सब खबरें थी शहादत की कि बीबियां सुन ले कि ये सब शहीद हो चुके हैं। लेकिन हाय अफसोस, अब हुसैन की शहादत की खबर कौन पहुंचाए? अब कोई जिंदा नहीं है, मर्दों में सिर्फ सैयद सज्जाद है जिन पर गशी की कैफियत तारी है। ये काम कौन करे कि जो हुसैन की शहादत की खबर खैमे में पहुंचाए? इसलिए कि हुसैन के जाने के बाद हर बीबी खैमे के दर पर खड़ी है और उन बीबियों के साथ 4 साल की सकीना भी अपने बाबा की राह देख रही है। ये काम करे तो कौन करे? बस तारीफ में मिलता है कि हुसैन का वो बाबा राहवार पहले तो हुसैन की लाश के गिर्द चक्कर काटने लगा, तो ये चक्कर नहीं काट रहा था कि हुसैन के लाश को वो जगह ढूंढ रहा था कि जहां से अपनी पेशानी हुसैन के खून में रंगीन करे। ये हुसैन इसलिए कि हुसैन का पूरा जिस्म तीरों से छलनी था। रवायत है बाबाजा पांचवे इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की कि 1950 जख्म थे जो जिस्म इमाम मजलूम पर थे। इसीलिए तो भी हदीस ने कहा था कि 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। और इसीलिए ज़ैनब निकली थी लेकिन हुसैन ने उन्हें खैमे में वापस कर दिया। अब कोई तो हो जो ये खबर ले जाए। बस ज़ैनब ज़ुलजना ने हुसैन के गिर्द कावा काटा, चक्कर लगाए, एक जगह पर हुसैन के जिस्म पर अपनी पेशानी को रखा, अपनी पेशानी को खून से रंगीन किया, सहा करता हुआ खैमे की तरफ चला। ये ज़ुलजलाल जो शबी की सूरत में बनावट हो रहा है, आप ये शबी बर्दाश्त नहीं करते? जरा सोचिए अजीजों कि जब ये ज़ुलजलाल खैमे की तरफ चला होगा, बीबियों का क्या आलम होगा? रवायत में है कोई बीबी सुबह से लिपटी थी, कोई बीबी पैरों से लिपटी थी, कोई बीबी गले में बाहें डाले थी ज़ुलजलाल के, अरे ज़ुलजलाल हुसैन को कहां छोड़ आया, अरे आका के ज़ुलजलाल हुसैन को कहां छोड़ आया। इस पूरे मजमे में एक सकीना थी जो आके ज़ुलजलाल के गले में बाहें डाल के एक सवाल करती है, अरे मेरे बाबा के घोड़े मुझे इतना बता दे कि जब मेरा बाबा जमीन से जमीन से जमीन पाया और जब कातिल ने शहीद किया तो मेरा बाबा प्यासा था या किसी ने पानी में गपिया? अल्लाहु अकबर। सकीना की सदाए ज़ुलजलाल के सामने एक बेटी है जो अपने बाप का मातम कर रही है। आए सकीना बरार मान था कि मर के वक्त कोई मेरे बाबा को पानी पिला दे। ये लड़की ने गुलाम अस्करी की जानब से बहुत से बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत। खुदा आपको सलामत रखे, एक एक दायरी को सलामत रखे। ये लड़की ने अंजुमन गुलाम अस्करी को सलामत रखे, इनके इनके हौसलों को सलामत रखे, इनकी अदादारी की तौफीकात में इजाफा फरमाए, इनके तौफीकात में अदादारी और बाबल अदादार बनने की तौफीक अता फरमाए। अदादारी इसलिए कि सारी कायनात उसे इनके अदादार है। हुसैन का अदादार जमाने से जुदा होना चाहिए, हुसैन का अदादार का अमल होना चाहिए। बाबल अदादार के सीने पर पड़ने वाली हाथ यकीनन जो सीने पर पड़ने वाले हाथ, ये एक तरफ तो शोक की निशानी है, ये एक तरफ गम का इजहार है। वहीं रहबर कबीर आयतुल्लाह इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि हमारे कौम के नौजवानों के सीनों पर पड़ने वाले हाथ ये सिर्फ
باطل نہیں ہے بلکہ رخ اس باطل پر ایک تماشے کی صورت میں ہے. آج ہم زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ احتجاج ہے قتل امام حسین کا جو اس طریقے سے جاری و ساری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. چہرے بدلتے رہیں گے, افراد بدلتے رہیں گے, انسان بدلتے رہیں گے, لیکن فکریں تبدیل نہیں ہوگی. ادا حسین کی کم نہ ہونے پائے گی جب تک بارش ادا پردہ غیب سے ظہور نہ کرے گا. یہ اداداری جو ہی جاری رہے گی اور جب وہ آئے گا, آج حسینیوں کے ہاتھوں میں علم ہے, وہ وقت ہوگا کہ جب فرزند فاطمہ کے ہاتھوں میں علم ہوگا اور ہر ادادار اس علم کے پیچھے ہوگا اور تب حقیقی معنوں میں صدائے بلند ہو رہی ہوں گی. سامنے انجمن غلام عسکری کے نوجوان الوداعی ماتم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بطور فرصہ پیش کر جا رہی ہے. آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں, ان کے لیے دعائیں فرمائیں کہ پروردگار نے حقیقی اداکار بنائے. الوداع حسین میرے, الوداع حسین, گزارش کی جاتی ہے کہ نظر مولا مارا گیا پانی نہ اس کو ملا, پانی نہ اس کو ملا, پانی نہ اس کو ملا, بانو مسکری کہنے میں گیا کسی پر. نکلا نہ ارماں میرا, دیکھا نہ سہرا تیرا,
अंजुमन की तरफ से मस्तूरात के भी ताम का इंतजाम किया गया है, नजर मौला में शिरकत कर गई है। तमाम मस्तूरात जो भी इस जुलूस में शिरकत करने और ताबूतों की ज़ियारत करने के लिए तशरीफ लाई थी, उनके लिए भी नजर मौला का एहतमाम है। अंजुमन के अराकीन की तरफ से गुजारिश की गई है कि वो भी नजर मौला में शिरकत करके जाए। السلام علیکم یا رسول اللہ،
السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المصطفیٰ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک، السلام علیک وعلی التسعۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللهم صل علی محمد. مغرب سے گزارش ہے کہ انجمن کی طرف سے نظر مولا کا